हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे आज इस स्टॉक में 5% की अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के अंदर। दोस्तों, यहां पे कंपनी Q1 क्वार्टर का जो रिजल्ट थी बहुत तगड़ा यहां पे आपको देखने को मिला होगा, और इसके पहले भी मैं कई सारे वीडियोस इसके ऑलरेडी रिलीज किया हूं जिसमें मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ साझा किया हूं, लेकिन आपने इस चीज को गौर नहीं किया है और उसकी वजह से आज आप देख रहे होंगे कि आपको यहां पे प्रॉफिट नहीं मिला होगा। लेकिन जिन लोगों ने, अगर हम इस लेवल पे जब वीडियो बना रहे थे 500 के करीब गया हुआ था और स्टॉक यहां पे आपको करीब करीब 500 रुपया पे देखने को मिला था, और कुछ टाइम पहले अगर आप 19 जुलाई की ही देखें 531 रुपया पे शेयर प्राइस देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 604 रुपया पे इसका शेयर प्राइस पहुंच चुका है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड का। दोस्तों, यहां पे एक आपको भी पता है कि बेसिकली यहां पे जो बेसिकली चंद्रबाबू नायडू हैं, जो यहां पे आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्हीं की ये कंपनी है, और यहां पे इस कंपनी के अंदर Q1 क्वार्टर के अंदर एक तरह से बहुत अच्छी तूफानी रैली देखने को मिला है। खास करके अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स में, अगर आप सेल्स की बात करें तो सेल्स में तो बहुत ज्यादा उछाल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में उछाल बहुत अच्छा देखने को मिला है। खास करके जून क्वार्टर में पिछले साल से 924 करोड़ से बढ़ के 1033 करोड़, करीब करीब 11-12% यहाँ पे सेल्स में उछाल देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो मार्जिन है वो यहाँ पे 4% से सीधा 9% होता हुआ नजर आया है, तो कंपनी का यहाँ पे मार्जिन में बड़ा उछाल देखने को मिला। 17 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट सीधा बढ़ के 58 करोड़ तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे शेयर प्राइस है कि 700 रुपया बहुत जल्द टच करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो जून 2021 से अभी तक में इतना प्रॉफिट कभी भी नहीं किया था, फिर भी ये स्टॉक 6 महीने के अंदर अंदर आपको 70%, अगर हम यहाँ पे बात करें 6 महीने में यहाँ पे 87% यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे एक तरह से बढ़िया रैली देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर फिलहाल। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक साल में स्टॉक यहां पे 115% का रिटर्न बना के दे चुका है। 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 224% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस तरह से मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 39,923% का रिटर्न देता हुआ नजर आया हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली ये कंपनी का जो कंटिन्यू प्रॉफिट रहने वाला है आने वाले 5 ईयर्स तक, और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस है ऐसे पर्सन के पास है जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के सीएम है, और वहाँ पे अगर हम बात करें तो हेरिटेज फूड्स की साउथ में बहुत ज़्यादा परजेंस देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर, बड़े इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा होगा DIIs सेलिंग जरूर कर रहे हैं। यहाँ पे DIIs की जून क्वार्टर में सेलिंग देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे FIIs की बाइंग देखने को मिल रहा है, और जब भी FIIs कंटिन्यू अगर बाइंग कर रही है किसी कंपनी में तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में अपसाइड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ता हुआ नजर जरूर आया है। दोस्तों अगर हम बात करें हेरिटेज फूड्स की, तो यहाँ पे अभी के टाइम पे इसकी जो पी देखने को मिल रहा है 37 की पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी शानदार नजर आता है। बुक वैल्यू 87 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। EPS की बात करें तो 16 रुपया EPS देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेप्ट कंपनी के ऊपर देखें तो 132 करोड़ का है, तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी कंपनी का ऑलमोस्ट कहें तो ना के बराबर है, तो वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास रिजर्व बहुत अच्छा है 762 करोड़ का। यहाँ पे कैश रिच कंपनी है, 762 करोड़ का इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे कंपनी की अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो फेस वैल्यू है 5 रुपया का है, तो इन फ्यूचर चल के कंपनी अपना स्टॉक का स्प्लिट भी कर सकती है, डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.41% का। और दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली इनका जो बिजनेस है वो आपको देख सकते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे काम करती है, ऑल्सो पावर जनरेशन रिलेटेड, सोलर एंड विंड से रिलेटेड कैप्टिव पावर जनरेशन करने का काम करती है बेसिकली। और यहाँ पे इनका जो अपना खुद का डेयरी प्लांट्स है इनके पास, और अगर आप देखें द कंपनी हैज रीच टू ओवर 15 लाख हाउस होल्ड्स इन इंडिया आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से काफी अच्छा खासा परजेंस है पैन इंडिया के अंदर इनका। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की, तो यहाँ पे ग्राहम नंबर प्राइस है जो 177 रुपया फिलहाल देखने को मिल रहा है, और पेट्रोस्की स्कोर आउट ऑफ 9 में से 9 रेटिंग दिया गया, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेटिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी की जो बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है कि कंपनी ने Q1 क्वार्टर में बहुत अच्छा धमाका
का की है, और जो भी कंपनी अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा पब्लिश कर रही है तो आने वाले समय में उस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि उसके जो शेयर प्राइस होगा, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, शेयर प्राइस डाउन चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखो कि बेसिकली बात करें तो यहाँ पे 700 रुपये तक गया हुआ स्टॉक ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे वापस से 700 रुपये बहुत जल्द टच करने वाली है ये कंपनी का शेयर प्राइस, और आपको बहुत जल्द इस 700 रुपये क्रॉस करती हुई नजर आएगी इसका शेयर। दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपकमिंग में आपको सेल्स है 3,903 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 148 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों 148 करोड़ मार्च 2021 में कंपनी ने की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 148 करोड़ इसी बार कंपनी प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्च 2017 की अगर हम बात करें तो 278 करोड़ कंपनी प्रॉफिट की थी। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे कंटिन्यू 3 ईयर से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर तक जो रिजल्ट आएंगे कंपनी के वो भी काफी अच्छा आने वाले होंगे हेरिटेज फूड्स का। दोस्तों यहाँ पे एक तो आपको अमरावती के अंदर जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इसका भी फायदा इस कंपनी को देखने को मिलेगा, उनके कस्टमर बेस होंगे जो यहाँ पे हेरिटेज फूड को अमरावती के अंदर काफी ज्यादा परजेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इस कंपनी का भी ग्रो होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सीमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर जो ये कंपनियां हैं उनको यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट की अगर हम बात करें कंपनी की, तो बैलेंस शीट यहाँ पे 46 करोड़ का इक्विटी कैपिटल फिलहाल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 762 करोड़ का रिजर्व है, 132 करोड़ का यहाँ पे कर्ज है। तो रिसेंटली अपनी कंपनी ने यहाँ पे कर्ज को कम करती हुई नजर आई है, साथ ही CWIP में भी वर्क देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, और यहाँ पे कंपनी टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज अपना कंटिन्यू बढ़ाती हुई नजर आती है। दोस्तों हेरिटेज फूड्स की अगर हम बैलेंस शीट ना देखें तो यहाँ पे सारी चीजें बेकार हो जाएगी, तो बैलेंस शीट भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी यहाँ पे बैलेंस शीट में नेट कैश फ्लो अगर हम बात करें तो कंपनी का पॉजिटिव है, जो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो किसी भी कंपनी का अगर नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो एक अच्छी बात है, और यहाँ पे कंपनी काफी अच्छी ग्रो कर रही है, इस चीज का भी बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, जिससे कि आने वाला जो अपडेट होगा वो आपको इमीडिएटली मिलता रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉक है जो ऑलरेडी रिटर्न इतना ज्यादा दे चुका है, और यहाँ पे अगर आप 6 मंथ की ही बात करें तो 6 मंथ में अगर आप देखें जून से अब तक की रिटर्न कंपनी ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल करने के कगार पे आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे वापस बाउंस बैक करती हुई नजर आया है हेरिटेज फूड्स का शेयर प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाले समय में भी यह स्टॉक साइड प्राइस होगा जो अपसाइड ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फिर इसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।